जब छोटे थे तो उनके कपड़े गीले करते थे और बड़े हो गए हैं तो उनकी क्या कर रहे हैं, बोलो 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 बोलो, आंखें गीली कर रहे हैं। एक बार दिल से अपने दादा दादी की सेवा करके देख लेना मेरे भाई। मैंने जितना समझा है, जिस किसी को लगे उसके शनि भारी है, जिस किसी को लगे शनि की दशा लगी है राहु बारी केतु बारी मंगल बारी, जिसको लगे ग्रह दशा भारी, मेरे भाई केवल एक काम कर लेना और वह है अपने दादा दादी की सेवा शुरू कर देना। उनको धूप लगाना, उनको प्रणाम करना, उनकी सेवा करना, उनके पांव दबाना, उनको गर्मा गर्म रोटी खिलाना, उनको अपनी गाड़ी में बैठा कर मंदिर ले जाना, उनकी सेवा शुश्रूषा का ख्याल रखना। अगर 9 महीने के अंदर अंदर आपके 9 के 9 ग्रह अनुकूल न हो जाए तो मेरा प्रवचन सुनना बंद कर दे। अगर 9 के 9 महीने, अरे किसी शनि की 7.5 उतारने जाओगे ना पंडित के पास, वो 7.5 साल लगा देगा, पर अगर माँ बाप की सेवा शुरू कर दी 7.5 महीने में सारी दशाएं न उतर जाए तो आप मुझे के। हम लोग थे जयपुर में, एक अच्छे खासे परिवार की बहू हमारे पास आई और आके कहने लगी, बाप जी मेरी सासू माँ के वर्षी तब चल रहा है, आपके दर्शन करना चाहती है, कब लाऊं? चंद्र प्रभु जी महाराज ने कहा, भाई कभी भी ले आना। कहा, नहीं बाप जी वो वयोवृद्ध है, आप समय दे दो मैं उसी समय ले आऊंगा। तो हमने कहा कल दोपहर में 3 से 4 के बीच ले आना। जयपुर की घटना है और दोपहर में 3:30 बजे वो बहू अपनी बूढ़ी सास को यूं हाथ पकड़ के और धीरे 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 हमारे पास लाई। हमें पता भी न लगा हम कोई पहली मंजिल पर रहे होंगे, वो ऊपर मंजिल तक लाई। तो हमने कहा माता जी को ऊपर तक क्यों लाए, हमें नीचे बुला लेते भाई, इनको ऊपर तक बुलाया इसके बजाय। नहीं बाप जी, माँ जी को मैंने कहा बाप जी को बुलाऊं, नहीं 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 मैं चालू, बाप जी ने नीचे नहीं बुलाई जाए। ऊपर आके बैठे, बताया बाप जी मारी सासू मारे वर्षी तप है। मैं हाथ जोड़े, बूढ़ी माँ थी कोई, वो माता जी बैठे ना बिल्कुल बूढ़े, कोई 80 साल के पार की। मैं माता जी ने हाथ जोड़े, मैं क्या माँ साहब वर्षी तप है, गणी 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 खुशी की बात है। तो बहू ने बताया, बाप जी मेरी सासू माँ की 38वां वर्षी तप है। वर्षी तप समझते, एक दिन उपवास और एक दिन पारणा, मतलब 40 घंटा उपवास और 8 घंटा भोजन, फिर 40 घंटा उपवास फिर 8 घंटा भोजन, ऐसा जो अपन वर्ष भर तक करते हैं इसका नाम क्या होता है, लगभग सभी को पता होगा ना। तो बताया गया बाप जी मारे माता जी रे 38वां वर्ष तब है। हम दोनों भाई खड़े हुए, शांति प्रिय जी तब तक दीक्षित थे नहीं, बाप जी महाराज थे, हम दोनों भाई खड़े हुए। हमने खड़े होकर माँ जी का अभिनंदन किया। मैंने कहा माँ जी आप तो गृहस्थ में, इस अभिनंदन की बात है, साधुवाद की बात है कि गृहस्थ जीवन में, अरे संत होकर कोई तपस्या करे तो कौन सी बड़ी बात है, तपस्या करने के लिए संत बने, पर जो बेचारे गृहस्थ में रहकर भी तपस्या कर रहे हैं, अभिनंदन और ताली बजाने की बात तो उनके लिए कि गृहस्थ में, अरे आदिनाथ भगवान ने वर्ष तप किया तो किया, अच्छा किया, क्योंकि उनको तो तपस्या करनी थी, वो तो तीर्थंकर थे, आदिनाथ भगवान तीर्थंकर थे, उस समय का उनका बाहुबल था। आज इस कलयुग में भी लोग अगर उनके नाम पर वर्षी तप की तपस्या कर रहे हैं तो कितने बड़े अभिनंदन की बात है। तो हमने माँ जी को खड़े होकर प्रणाम किया। हमने कहा माँ जी आपकी 38वां वर्षी तप है, आप तो खुद प्रणम्य है, साधुवाद माँ सा साधुवाद। तो माँ सा ने कहा बाप जी अगर आपने साधुवाद और धन्यवाद दिया तो मने मत दो, मारी बींदनी दो, बींदनी ने मौसम जी को नहीं बींदनी ने कहीं धन्यवाद ना। अरे बाप जी मारे कहीं वर्षी तप है, मासूम बड़ा वर्षी तप तुम्हारी बींदनी करियो। मैं क्या मतलब मासा के बाप जी आज हमारे वर्षी तप चालते हुए 38 साल हो गया और आम हमारी बींदनी आज 60 साल भी होने आई है, 55 साल होगी, पर आपने जान आश्चर्य से बाप जी मारी बींदनी मारी बहू मारे 38 साल वर्षी तप में एक बार भी आपने पीले नहीं गई, बाप जी कठे नहीं गई, कठे नहीं गई, जोर से बोलो पीरे नहीं गई। मैं के क्यों मासा के बाप जी ने घनी समझाऊं घनी समझाऊं, जा जा जावे तो 15 मिनट में पाची आ जावे, और जावे कोनी मैंने घनी क्यों जा, थरे पीरे भी जा बेटा, मम्मी पापा है परिवार है भाई है, एक ही जवाब देती बाप जी मारी बींदनी मने एक ही बात कहती और मारी बींदनी मने कहती मासा जी के दिन मारे उपवास हूं तो हमारी बींदनी पीरे को नहीं जानती कि मासा अगर मैं पीरे जाऊंगा तो खानो आपने बनाना पड़ेगा, उपवास में आपने किचन में नहीं डालू, और जिके दिन पारणो हूं तो आप फिर को नहीं जानती अगर मैं पीरे गई तो आपकी पारने की व्यवस्था कौन करेगा। जी करता है तब हमें लगा हाँ माँ जी ने भूखे रहकर 38 साल का वर्ष तप किया, पर निश्चित तौर पर वो बहू, हाथ जोड़ो उस बहू को भी प्रणम्य है वो बहू जिसने माँ जी के वर्षी तप के साथ साथ अपना भी वर्षी तप चालू रखा, और वो है सासू माँ की सेवा का वर्षी तप। कौन सा वर्षी तप, कौन सा वर्षी तप, जोर से बोल लो, सासू माँ की सेवा का वर्षी तप। मेरे भाई
अरे मैं तो कहूंगा घर में केवल एक शब्द ले आओ और वो है निभा लो। क्या शब्द है? युवा पीढ़ी से अनुरोध करना चाहूंगा, केवल एक शब्द अपने घर में जोड़ दो मेरी बहनों। आपसे झोली फैला करे, कहते ना भागवत कथाएं जहां पर करते हैं फिर वो आरतियां कराते हैं, रुपये इकट्ठे हो जाते हैं। मैं आपसे झोली फैला कर मांग रहा हूं, अगर आप एक काम कर सकते हैं मेरी बहन, तो एक काम जरूर कर लो। इस संत की झोली में आपने इतने प्रवचन सुने, केवल इस प्रवचन की गुरु दक्षिणा ये डाल दो कि साहब हम अपने पूरे सास ससुर को निभा लेंगे। क्या कर लेंगे? निभा लेंगे। मानता हूं वो चिड़चिड़े हैं, वो टेढ़े हैं, वो गुस्सैल हैं, अरे उनसे आपकी नहीं बनती, वो आपको टोका टोकी करते हैं। अरे मेरे भाई वो उस जमाने के हैं, और ये हाल आपकी भी बहुएं करेंगी क्योंकि उनको भी लगेगा ये उस जमाने की है। पर मैं फिर कहता हूं निभा लो। जितने साल का आपको पति मिला है ना, अगर किसी महिला को लगता है उसकी शादी हुई तो उसका पति कितने साल का था? बेटा आपकी शादी हुई तो आपके पति कितने साल के? हाँ जोर से बोलो, 3। तो इतना धीमे क्यों बोलते? 23। बस कुछ मत करना बहनों, किसी को पति 23 साल का मिला, किसी को 24 का मिला, किसी को 25 का मिला, किसी को 26 का मिला, किसी को 27 का मिला, और किसी को न मिला होगा तो किसी को 30 का भी मिला। पर मैं इतना जरूर कहूंगा जिंदगी में कुछ मत करना। मैं कहां कहता हूं कि सास ससुर की सेवा करो, कहां कहता हूं कि दादी सास को संभालो, पर मैं इतना जरूर कहूंगा अपने सर पर कर्ज मत रखना। क्या मत रखना? अपने सर पर कर्ज मत रखना। केवल इतना सा काम जरूर कर लेना, जितना साल का आपको पति मिला है अपनी सास से उतने साल तक अलग मत होना, और उनकी सेवा जरूर कर लेना ताकि कर्ज उतार सके। अगर आपको 25 साल का पति मिला है, महिलाएं जो 25 साल का पति, हाथ खड़ा करो जिनके 25 साल का पति मिला था, इतने तो बस कुछ मत करना। सासू माँ का कर्ज उतार देना है, माता बूढ़ी लैस, 25 साल तक सासू माँ से अलग, बोलो होने का नहीं होने का? तो हाथ जोड़ो, बोलो मैं नियम लेती हूं, जितने साल का मुझे पति मिला है मैं 23 साल तक अपनी सास से अलग नहीं होंगी, अलग नहीं होंगी, एकदम साफ साफ बोलो, यूं यूं मत करो, अलग नहीं होंगी, ये मेरा निर्णय है। थैंक यू। बैठ, हर महिला ये निर्णय कर ले, जितने साल का उसे पति मिला है उतने साल तक अपनी सास। अरे मैं तो कहता हूं देखो काम किया करो। लोग क्या होते हैं, विशेषकर आज के युग की बहनों से कहूंगा, चलो एक काम किया करो ना, कुछ मत करो, आप अपनी काम वाली बाई से जितना मीठा बोलते हैं ना, अपनी सासू माँ से भी इतनी मीठे बोलिया करो, बस चलो यार छोड़ो, बाकी माता थोड़ी खत्म, जितने मीठा से। अच्छा एक बार बोलो तो काम वाली बाई से आप कैसे बोलते? देखिए कर ले, जितने मुस्कुराकर अगर कोई महिला काम वाली बाई से बोलती है, उतनी मुस्कुराकर अगर वो अपनी देनानी से बोल ले, तो 25 साल में भी देनानी जेठानी कभी अलग नहीं होंगे, मेरी गारंटी। जितना उनसे मुस्कुराकर बोलते हैं, मैंने सही कहा ना? अगर भाई एक दिन नहीं आवे तो मैं एक घर में था तो वो बहन जी अपने पति को तो जानू कहती थी, और अपने स्टाफ जो था खाना बनाने वाला उसका नाम था नानू। क्या नाम था? जो खाना बनाता था उसका नाम था नानू, और पति को क्या हो गया फिर? जानू। तो हम वहां से विहार कर रहे थे तो हमने कहा चलो एक काम करते हैं भाई, आपका नानू है ना, 5-7 दिन के लिए हम साथ ले जाते हैं, हमारे कोई आदमी आया नहीं था तो हम 5-7 दिन के लिए आपके नानू को साथ ले जाते हैं। बहन जी अलग से आई, मुझे कहने लगे भाजी हमारे जानू न ले जाओ पर नानू न मत ले जाओ। जानू जाए तो कोई दिक्कत नहीं, पर नानू गया तो हमारे तो टाइम टाइम फीस हो जाएगी बाप जी। बात को समझते मुझे 2 मिनट लगा था पर मैं धीरे धीरे समझ गया। पर मैं ये अनुरोध करना चाह रहा हूं आप सब लोगों से, युवा पीढ़ी, भाइयों और बहनों, बहुओं, कुछ मत करो, एक दूजे को तड़ना बंद करो। बस क्या बंद करो? क्या बंद करो? एक दूजे को तड़ना बंद करो। अगर आप झोली में दे सकते हैं तो ये वादा कर दो, बाप जी हम अपने दादा दादी को निभाएंगे, हम अपने मम्मी, हाथ खड़ा करो, कौन कौन ये निर्णय कर सकते हैं, हम अपने दादा दादी को निभाएंगे, हम अपने सास ससुर को निभाएंगे, हम अपने मम्मी पापा को निभाएंगे, हाथ खड़ा करो। देखिए बहुओं हाथ खड़ा करो ईमानदारी से, थैंक यू, बहुत अच्छी बात। अगर आप में से 1000 बहनों ने हाथ खड़ा किया हम अपने सास ससुर को निभाएंगे, दादा दादी को निभाएंगे, मैं सच कहता हूं आपके पुण्य हमेशा जागृत रहेंगे, आपके पुण्य हमेशा जागृत रहेंगे, आपके पुण्य हमेशा जागृत।